रहिंदी हुंदी सी जन सकरा बना दे तारे ने पसंद मैनू हेठा सहारे ला दे उन्हां तारियां दे विच जदों मैनू वेखेगी मेरी याद जदों आऊगी तां पता लगूगा गाइस जिस जगह में हम जा रहे हैं आप देखो क्या लोकेशन है यार। बैक टू माय चैनल, स्वागत है आपके एक और इस नए वीडियो में। आज हम जा रहे हैं काफी अच्छी एक लोकेशन में जो कि आपको अभी आगे चल के दिखाएंगे वीडियो में। तो वीडियो में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। एक्चुअली में आज संडे और हमारा राइड का प्लान था सुबह अर्ली मॉर्निंग में और हम जाने वाले थे नजारा व्यू पॉइंट जो कि जबलपुर से 60-70 किलोमीटर के अप्रोक्स दूर था। बट बारिश होने के कारण वो प्लान हमारा कैंसिल हो गया। पिकनिक वगैरह के लिए बहुत अच्छी स्पॉट है तो वहीं जाएंगे और आज हमको काम भी है हमारी गाड़ी का जो हम टायर चेंज कराएंगे। तो इस वीडियो में आपको बर्नआउट वगैरह भी देखने को मिलेगा और नया टायर डलवाएंगे, काफी ज्यादा मजा आने वाला है। तो वीडियो में बने रहिएगा, आप एंजॉय कीजिए कुछ सिनेमेटिक शॉट्स। आ चुके हैं बाईपास के पास, यहाँ से जाना है हमको आगे राइट की तरफ। पीछे जो है बेड़ा घाट बाईपास था, हमारे एक दो फ्रेंड जो है वो यहाँ पे वेट कर रहे होंगे या तो हमको उनको वेट करना पड़ेगा, देखते हैं कितना क्या टाइम लगता है फिलहाल आने में। और शूट वगैरह करेंगे क्योंकि मैं काफी टाइम से बाइक की रील्स नहीं डाल पा रहा हूँ और काफी लोग वेट कर रहे हैं बाइक की रील। भाई कई बंदों के कमेंट आते हैं दिन में 2-3 रील डालो, भाई एक्चुअली मैं टाइम मैनेज नहीं हो पाता इस कारण मैं अपलोड नहीं कर पाता। अभी हम आगे एक जगह पे रुकते हैं ब्रिज के ऊपर, हेलमेट उतार लेते हैं और दोस्त को कॉल कर लेते हैं, देखते हैं वो लोग कहां तक पहुंचे। और इसी के साथ जैसा कि हमेशा की तरह हो रहा है अभी तक कोई भी नहीं आया, मेरे को हो चुके हैं यहाँ पे 15 मिनट, हाँ 15 मिनट से ऊपर ही हो चुके हैं और अभी तक कोई नहीं आया, देखते हैं कितना टाइम इन लोगों को लगेगा साथ वालों को। और फिलहाल यहाँ का व्यू चेकआउट करो, मौसम जो है काफी अच्छा हो रहा है, कभी धूप निकल रही है कभी एकदम से पानी गिरने का मौसम बन रहा है और अभी मौसम तो वैसे वैसे बारिश का ही है। और आप देखो यहाँ पे नहर है और फुल चल रही है, तो वहाँ का व्यू देखना एक बार हमको कैसा मिलता है। A few moments later. 20 मिनट वेट करने के बाद सबसे पहले आए हैं मनीष भाई। भाई आरसी देखो क्या चमक रही है अलग से, दो बीस्ट खड़ी है फ्रेम में। लेट्स सी, अभी थोड़ी देर और वेट करते हैं, चलेंगे लोकेशन में। अभी दो बाइक्स आ चुकी हैं जो कि एक KTM RC R15। 15 से 20 मिनट वेट करने के बाद आ चुके काफी सारे फ्रेंड, देख सकते हो ड्यूक 200, KTM RC 200 न्यू वाली जिसका लुक आप देखो कितना शानदार आ रहा है देखने में। यहाँ पे गाड़ी हमारी मॉडिफाइड R15 एंड 310RR एयर रिकॉर्ड 310RR जिसमें एग्जॉस्ट लगा, एग्जॉस्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा जो कि लगा है ये, तो काफी अच्छा एग्जॉस्ट है इसका साउंड। अभी आगे चल के वीडियो में आपको सुनाएंगे तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हमारे सामने खड़ी अपाचे 310R और ब्लैक कलर की और इसमें लगा लियोविंस का एग्जॉस्ट जो कि फुल सिस्टम नहीं है बट इसका साउंड आपको सुनाते हैं काफी ज्यादा लाउड है। जिसके पास 310RR है वो ये वाले एग्जॉस्ट को रिकमेंड कर सकते हैं। तो चलिए गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। काफी सारे लोग आ गए हैं, देखो 2-3 बाइक्स आगे हैं 2-3 बाइक्स पीछे हैं, तो चलो चलते हैं लोकेशन में। काफी अच्छा मौसम वैसे हो रहा है, निकल चुके हैं हम हमारी लोकेशन के लिए, तो आप एंजॉय कीजिए 360 शॉट्स। ये चेकआउट करो गाइस, R3 क्या ही दिख रही है शानदार, ब्लैक कलर जो है बाइक में एक नंबर लगता है देखने में। ये देखो साइड से लुक क्या ही लगती है यार, पावर तो फिर नेक्स्ट लेवल ही है इस बाइक में, पावर का तो कोई कंपटीशन ही नहीं है। जगह में हम जा रहे हैं आप देखो क्या लोकेशन है यार, यहाँ फोटो शूट करना तो बनता है, ये लोकेशन हमसे कैसे छूट गई, कितनी शानदार लग रही, चारों तरफ हरियाली हरियाली है, सामने भरा है काफी ज्यादा पानी। सो थोड़ी सी राइड करने के बाद हम आ चुके एक बहुत ही अच्छी लोकेशन में। पीछे का व्यू आप चेकआउट करो, पानी का लेवल जो है वो काफी ज्यादा हो गया, नहीं तो बाइक को हम और आगे तक ले जाते हैं। पीछे की तरफ जो है सेक्सी सेक्सी बीस्ट खड़ी है, देखो कितना शानदार लग रही है और पीछे पूरी हरियाली है, मौसम भी काफी अच्छा हो रहा है और काफी ज्यादा मजा आएगा। तो यहाँ पे लेते हैं अच्छे अच्छे शॉट्स और काफी ज्यादा मजा आने वाला है, वीडियो में बने रहिएगा, लोकेशन आपको दिखाएंगे और हो सकेगा तो मैं आपको गूगल मैप में अपडेट दे दूंगा क्योंकि लोकेशन का नाम हमको भी नहीं पता, मैं खुद पहली बार आया हूँ। गोगरा फॉल जाने का था बट गोगरा फॉल उस जगह पे आपको दिख रहा है आगे साइड में, तो वहां पे गोगरा फॉल है, तो हम लोग जो है एक फ्रेंड को ये लोकेशन पता थी तो यहाँ पे क्या है बाइक पास में लाके अच्छे अच्छे शॉट्स ले सकते थे, इसलिए हम इस लोकेशन में है। तो इसका कोई नाम नहीं है बट गूगल मैप में आपको अपडेट दे दूंगा, आते समय आपको काफी ज्यादा मजा आएगा। तो चलिए लेते हैं कुछ कुछ सिनेमैटिक शॉट्स।
हमारे साथ अभी मनीष भाई, और एक बार इनसे पूछते हैं हमारी बाइक का ये क्या रिएक्शन देंगे, कितने नंबर हमको वो हमारी बाइक को देना पसंद करेंगे। तो भाई हमारी मॉडिफिकेशन को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं एक चीज ही बताऊं, R15 तो मैंने आज तक, तो मैंने मतलब 18 साल का मैं हो गया, मैंने 18 साल में आज तक ऐसी R15 नहीं देखी मॉडिफाइड। और मींस मैं बोलूंगा कहीं से भी ये गाड़ी, मेरे को तो पहली चीज जब मॉडिफाई हुई है मेरे को तो लगी नहीं कि R15, मेरे को लगा ये मिनी कोई सुपर बाइक या मिनी BMW लॉन्च कर दी जो बिल्कुल ले आए सबसे पहले। तो ये मैं अपना पर्सनल बता रहा हूँ, मेरे को सही में ऐसा लगा। ये कोई भी स्क्रिप्टेड नहीं है, आप पहले ही बता दूँ। सुपर बाइक्स लोग है कोई, मतलब इसको कोई भी, अगर कोई न्यू मतलब कोई नया बंदा कोई भी देखेगा तो वो ये नहीं बोलेगा कि डायरेक्ट R15, क्योंकि पूरी वो दिखेगी मिनी सुपर बाइक या मिनी BMW। बाकी बहुत प्यारी मॉडिफाई हुई, बहुत ही प्यारी। लोगों से फीडबैक लेता रहता हूँ कि किस टाइप की, क्योंकि काफी लोगों को पसंद आ रही है हमारी बाइक, बहुत अच्छी। अब जो लोग बोलते भाई क्या काम करा ये वो, तो मेरे को उनसे फर्क नहीं पड़ता, काफी सारे सपोर्टर्स है भाई। इस बाइक ने मेरे को कहाँ से कहाँ ले गई है ना वो मैं जानता हूँ, सब लोग देख रहे हैं कि इस बाइक ने हमको कहाँ से, जलने वाले हैं वो तो जलते रहेंगे, उनसे कोई लेना देना हमको नहीं है। अभी हम जो है अभी और सिनेमेटिक शॉट्स वगैरह लेंगे और काफी मजा आने वाला वीडियो में। तो भाई चैनल में अगर जो लोग नए तो उनको बोल दे यार, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करते लोग, बताओ हमारा ऐसे नहीं होता। देखो बड़े भाई ने इतना पैसा लगा के, इतनी मेहनत करके, इतने प्यारे ब्लॉग्स बनाते हैं, उसके बाद भी अगर आप लोग सब्सक्राइब करके ना जाओ ना तो ये हमारे लिए थोड़ा सा डीमोटिवेटेड सीन में जाता है। इसलिए हल्का सा हमें बस मोटिवेशन आपका चाहिए। बाकी बिल्कुल भैया एक से एक लाते हैं ब्लॉग्स, तो आप लोग बिल्कुल लाइक करो, ट्राई करूंगा शूट्स वगैरह करने का। एक्चुअली मैं अभी कुछ टाइम से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को हेडेक वगैरह की हेलमेट लगाने के कारण, तो वो चीजें अभी बहुत जल्द सॉल्व होने वाली, क्योंकि मेरा पावर होता जाएगा चश्मे का, मेरा ऑपरेशन मैं करवाने वाला हूं, तो ये सब चीजें सॉल्व हो जाएगी। और मैं आपको इस वीडियो में दावे के साथ बोल रहा हूं, जैसे ही हमारे 50K सब्सक्राइबर क्रॉस होंगे तो हम जो है डेली व्लॉग में शिफ्ट कर लेंगे, तो डेली व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। जैसे अभी 3-4 दिन में वीडियो आ रहा है तो आपको डेली देखने को मिलेगा। तो चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, 50K का हमारा भी जो है टारगेट। एक बार आप हमारी फैल्कन का लुक चेकआउट करो इस मौसम में, और पीछे कितनी अच्छी लोकेशन हो, कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे देखने में, काफी अच्छी लोकेशन है। अगर आपको घूमना है, पिकनिक वगैरह बनाना है तो आप यहाँ पे आ सकते हो। फिलहाल मैं ले रहा हूँ कुछ सिनेमेटिक शॉट्स आप लोगों के लिए रील्स के लिए, तो इंस्टाग्राम में जिन जिन लोगों ने मुझे फॉलो नहीं किए हैं तो प्लीज मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लो, काफी अच्छी अच्छी रील्स आपको देखने को मिलेंगी। तो बाइकर्स आगे जा चुके हैं, हम लोग निकल चुके हैं उस लोकेशन से, और आप एक बार व्यू चेकआउट करो, दोनों तरफ हरियाली है। हमको थोड़े बहुत सिनेमेटिक शॉट्स लेना था तो हम शॉट्स लेने के लिए रुक गए। NRR का साउंड सुनो। अभी हम निकल रहे हैं आगे बेड़ा घाट की तरफ, मतलब बेड़ा घाट नहीं जाएंगे बट ऐसे नॉर्मली घूमने तक जा रहे हैं। जो आप लोगों को लेफ्ट साइड में दिख रहा है यहाँ पे है बेड़ा घाट, वो आपको फॉल वहाँ पे दिख रहा होगा, और ये है हम बेड़ा घाट के पास ही आ चुके हैं। नीचे नहीं जाएंगे क्योंकि गाड़ी रखने में प्रॉब्लम है पार्किंग में। हम अभी आ चुके हैं हमारी सेकंड लोकेशन में, जो कि है बेड़ा घाट के पास में ही। बेड़ा घाट जो है वो जस्ट उस साइड पे है। लोकेशन में शूट नहीं कर पाया था क्योंकि काफी ज्यादा क्राउड था और मैं बाइक चला रहा था, मेरी बाइक का छोटा सा इशू भी हो चुका है, जो कि ये आप देख सकते हो इंडिकेटर टूट गया, पता नहीं कैसे टूट गया। और एक बार आप बाइक चेकआउट करो, इतना है, थोड़ी देर यहाँ पे चिल वगैरह करेंगे, देन बर्नआउट वगैरह मारेंगे, क्योंकि टायर जो है आज हमको चेंज कराना है, तो पूरे बर्नआउट से टायर को पहले खत्म करेंगे, उसके बाद फिर करेंगे। तो रील वगैरह जो है आपको मेरे इंस्टाग्राम में देखने को मिल जाएगी, तो चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इंस्टाग्राम की लिंक जो आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से इंस्टाग्राम चेकआउट कर सकते हैं। बिहाइंड द सीन सब बाइक लाइन से सर्कल में लगा दिए, यहाँ पे लगा हमारा 360 कैमरा, बहुत ही मजेदार रील आपको इंस्टाग्राम में देखने को मिलेगी, इसलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ इंस्टाग्राम को चेकआउट कर लेना। तो चलिए करते हैं शूट वगैरह, और काफी ज्यादा मजा आ रहा है वैसे जैसे जैसे शूट करने में, यहाँ पे लाइन से ऐसे गोल में पूरी बाइक से लगी, और हमें फिलहाल गियर में, तो चलिए शूट वगैरह करते हैं फिर निकलते हैं, फिर मारेंगे दूसरी जगह बर्नआउट, क्योंकि यहाँ पे जो है लाइट काफी ज्यादा आने के कारण बर्नआउट उतने अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। हमारी दोनों लोकेशन जो है वो कवर हो गई, और काफी ज्यादा मजा आया यहाँ पे शूट करने में। अगर आपको बर्नआउट पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और एक बार आपको टायर की कंडीशन में आपको दिखाता हूँ, काफी ज्यादा मजा आया। ये देखो पूरा गोल चुका है, तो अब हम जा रहे हैं नया टायर डलवाने, तो वीडियो में बने रहो, आगे चल के आपको दिखाएंगे पूरा कि कौन सा टायर होने वाला है, कितने का लगता है, सब चीज आपको दिखाएंगे वीडियो में। अभी हम आ चुके सिटी के अंदर, और आप लेफ्ट साइड में देखो बब्बा की कितनी बड़ी मूर्ति यहाँ पे बनी है। वैसे 2-3 लोग जो है वो जा चुके बाहर बायपास से ही, और काफी सारे राइडर्स आ गए जो काफी ज्यादा मजा भी किए। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, आज तो शॉप बंद है तो हमारा टायर का काम आज नहीं हो पाएगा, मतलब कल ही आना पड़ेगा। यार मुझे पता होता मैं इतना घूम के नहीं आता, एक्चुअली मैं आके पूछा था तो मुझे इतना बताया गया था कि संडे को भी शॉप जो है वो ओपन रहेगी, इसलिए फिर मैं आ गया। टायर जो है वो हम कल डलाने वाले हैं हमारी बाइक में, तो इस वीडियो को करते हैं यही एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।